होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील अंतर्गत आने वाली नर्मदा नदी के घाटों पर लगातार रेत उत्खनन की शिकायतें मिलने पर राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग ने माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खनिज विभाग द्वारा रेत माफियाओं पर कार्रवाई न करने पर पुलिस द्वारा रेत खदानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही जिस रास्ते से रेत से भरे वाहन आते जाते हैं वहां जेसीबी से खुदाई कर रास्ता खुर्द बुर्द किया जा रहा है। वहीं एसडीएम डीएन सिंह के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्वाड़ी बावरी घाट लोकरतलाई रानीपुर गंजाल दिमावर देठी से अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उपस्थिति में अवैध उत्खनन को दृष्टिगत रखते हुए तमाम नदी क्षेत्र से लगे हुए 1 किलोमीटर की परिधि में जेसीबी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में कृषि कार्य अन्य शासकीय निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों में जेसीबी की आवश्यकता होने पर संबंधित जेसीबी संचालक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, जिसके बाद से ही नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा एवं नायब तहसीलदार नीलेश पटेल के द्वारा नर्मदा नदी के अलग अलग घाटों पर जाकर जेसीबी से रेत घाट पर जाने वाले रास्तों की खुदाई कर दी गई है, जिससे अवैध उत्खनन को रोका जा सके। वही अब प्रशासन के द्वारा शासकीय नुमाइंदों की घाट पर ड्यूटी लगाने की तैयारी भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सर, रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए क्या तैयारियां की गई है? अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के लिए हमने सबसे पहले तो जहाँ हमारे घाट चिन्हित हैं, जहाँ से हमें सूचनाएं मिलती थी कि उत्खनन होता है, वहाँ हमने 1 किलोमीटर की परिधि में जेसीबी को प्रतिबंधित किया है। यदि जेसीबी किसानी कार्य या अन्य कार्य के लिए उसकी ज़रूरत है तो वो न्यायालय हमारे कार्यालय से अनुमति लेकर उसको जा सकता है। इसी प्रकार सभी जितने भी रेत जहाँ से निकलने के घाट हैं, जहाँ से शिकायतें मिलती हैं, वहाँ रात में हमने दल गठन करके लोगों को बिठाया है। निश्चित तौर पर लगातार उनके बैठने से चोरी पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। वहाँ हमने बांस बल्ली गाड़ के भी उसको बैरिकेड किया है और ट्रेंच लाइन खोद के वो भी एक कार्य किया गया है। इससे रेत चोरी रोकने में मदद मिलेगी।